हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम चलते हैं बालाघाट जिले में स्थित कोटेश्वर मंदिर का दृश्य। आपकी जो कोटेश्वर मंदिर है बालाघाट में ही नहीं है, अपितु हमारे जो पास के राज्य जैसे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ में भी बहुत प्रख्यात है। यह कोटेश्वर मंदिर धार्मिक पौराणिक महत्व का तीर्थ है। यह हमारे 108 उपलिंगों में से एक है। कहा जाता है कि कोटेश्वर मंदिर का निर्माण ब्रिटिश शासनकाल में राम प्रसाद दुबे तहसीलदार ने करवाया था। अब हम कोटेश्वर मंदिर का नजारा आपको दिखाते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बरगद का पेड़ जो बहुत पुराना है, उसके पीछे में कुछ है। भाई को दिखा दो अपने भाई को। ये प्रदीप जो हमारे साथ आया है स्टूडियो में, देख सकते हैं आप। तो ये देखिए बरगद के पेड़ के नीचे का नजारा भगवान। ये देख सकते हैं अग्निद्वार कोटेश्वर मंदिर में महाकाल जी का है। ये अनुरम दस्य देख सकते हैं उनका नांग सा बोले तो वासी। ये यहाँ कुछ गायें हैं। ये एक छोटा मंदिर, अभी हम आपको अंदर का भी दृश्य दिखाएंगे। तो चलिए अब हम एंटर करते हैं और आपको दृश्य दिखाते हैं। वी आर एंटर्ड इन अ गेट, सम पीपल्स आर देयर। तो ये प्रदीप आगे चल रहा है, हम उसके पीछे पीछे जा रहे हैं। तो ये दृश्य भगवान हनुमान जी, ये पवन पुत्र हनुमान जी की मूर्ति और ये शिलालेख जिनकी कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। ये मैडम जी अपने माथे पर तिलक लगाते हुए शंकर जी का। ये ढोलक जो बहुत ही प्राचीन है, इसका आप लुक्स देख रहे हैं। गणपति बप्पा। और अब हम चलते हैं शंकर भगवान। इस मूर्ति के बारे में क्या ही कहा जाए, ये अपने आप में बहुत अनूठा संगम है। ये मिल सकते हैं हमारे दोस्त संजय अड़मे जी से आप। ये अंदर का सीन दिखाते हैं अब हम आपको, ठीक है। ये अंदर की कलाकृतियाँ देख सकते हैं, क्या ही है ये, बहुत ही सुंदर दृश्य यहाँ पर जो आपको दिखाया जा रहा है। क्या ही कह सकते हैं इसके बारे में आप, इनके बारे में कल्पना करना भी मुश्किल है। ये हमारे राहुल सर जी की कुछ अमेजिंग तस्वीरें आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। We got to talk about it.